दोस्तों तैयार हो जाइए कुछ ऐसी कमाल की ई बाइक्स एंड बाइक इन्वेंशन से मिलने के लिए जिन्हें देखते ही आप उनके दीवाने हो जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोटो परिला कार्बन। अगर आपको चाहिए एक दमदार, टफ, स्टाइलिश एंड बहुत ही अमेजिंग लुक्स वाली एक ई बाइक, तो जरा इस ई बाइक पर एक नजर डाल लीजिए। ये है मोटो परिला कार्बन। इस ई बाइक की हर एक डिटेल बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग है दोस्तों। रास्ते में जब ये चलती है तो हर कोई एक बार तो इसे मुड़कर जरूर से देखता है, क्योंकि कहने के लिए तो सिर्फ ये एक ई बाइक ही है, लेकिन लुक से लेकर फीचर्स तक के मामले में एकदम आउटस्टैंडिंग है। इसके फैट टायर्स पर ही नजर डाल लीजिए, जो कि काफी ज्यादा वाइड होते हैं, जिससे ऑफ रोड इसे राइड करते वक्त इसमें बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी तो बनी ही रहती है, साथ ही रोड पर इसके टायर्स अच्छी खासी ग्रिप बना लेते हैं, तो बहुत ही सेफ राइडिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको मिल जाता है। इसे आप न सिर्फ सिटी में राइड कर सकते हैं, बल्कि ऑफ रोडिंग एडवेंचर्स पर भी इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, एंड वहाँ के रफ टेरेन्स में इसे चलाने में भी आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक तरह से देखा जाए गाइस, तो फिर बात चाहे लुक्स की हो, पावर की हो या फिर फीचर्स की, मोटो परिला कार्बन में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाइसेक्यू स्मार्ट बाइक लॉक। अभी तक जितने भी नॉर्मल बाइक लॉक्स आपने देखे होंगे, उन्हें आपको खुद से ऐसे पकड़कर की से लॉक करना पड़ता होगा, लेकिन अब बाइक लॉक को भी स्मार्ट बनाने का टाइम आ गया है। मिलिए बाइसेक्यू से, जो कि एक स्मार्ट बाइक लॉक है, एंड इतना स्मार्ट है ये कि इसे आपको खुद से लॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे ही आप अपनी बाइसिकल खड़ी करके उससे दूर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। गाइस, ये लगा होता है आगे वाले व्हील के बीचों बीच। बात करें इसकी अनलॉकिंग की, तो जैसे ही आप अपनी बाइक के पास वापस आएंगे, ये इस चीज को डिटेक्ट करके वापस से ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें तीन इंटीग्रेटेड मोशन सेंसर्स होते हैं, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप। आप जिस स्पीड में बाइसिकल चलाएंगे, उस स्पीड के अकॉर्डिंग ही इसमें लाइट भी ग्लो करती है अलग अलग कलर्स में। इसके अलावा आप इसके ऐप में अपनी राइडिंग को भी मॉनिटर कर पाएंगे, एंड जब भी कोई अनयूजुअल मोशन आपकी बाइक के आसपास होगा तो उसे डिटेक्ट करके ये अलार्म भी बजा देता है, एंड आपके स्मार्टफोन में भी तुरंत एक नोटिफिकेशन भेजकर आपको ये अलर्ट कर देगा। यानी ये स्मार्ट लॉक रखेगा आपकी बाइक को बिल्कुल सेफ। जो हैमर J1। अब जरा नजर डाल लेते हैं इस काफी यूनिक सी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर। ना सिर्फ ये दिखने में काफी ब्यूटीफुल एंड अलग है, बल्कि जब आप इसके फीचर्स पर जाएंगे तो वो भी इसमें काफी एडवांस्ड रहते हैं। इसके मेन फ्रेम में इसके शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ साथ इसका बैटरी पैक भी रहता है, एंड वेट, स्टेबिलिटी और फंक्शंस के टर्म्स में इसमें एकदम परफेक्ट सिनर्जी मिल जाती है देखने को। इसके मल्टीफंक्शनल रियर व्यू मिरर्स को ही देखकर आपको इसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इसके रियर व्यू मिरर्स में ऑल डैश डिस्प्लेज इंटीग्रेटेड रहती हैं। इनकी इस हाई रिजोल्यूशन कलर स्क्रीन्स में आपको राइडिंग से जुड़ी हुई काफी सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्पीड और रेव्स वगैरह, ये सब देखने को मिल जाएगा। इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ होता है, यानी उसमें से अंदर के पार्ट्स दिखाई नहीं देते। तो गाइस, आने वाला टाइम जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है, ऐसे में एक यूनिक एंड स्टाइलिश इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर जो हैमर J1 को आप जरूर से ले सकते हैं। ओयो बाइक। अगर आप एक बाइक लवर हैं, तो अपनी प्यारी बाइक को राइड करने से अच्छी फीलिंग तो शायद आपके लिए दूसरी हो ही नहीं सकती। और बाइक को राइड करते वक्त हमें एक ही चीज चाहिए होती है, एक मक्खन जैसा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से फिनिश तक। तो मिलिए ओयो बाइक से। दुनिया की पहली हाइड्रोलिक चेनलेस ई बाइक है ये, एंड चेनलेस होने के चलते ये ई बाइक बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस दे देती है, शायद सबसे ज्यादा स्मूथ ई बाइक हो ये। ओयो बाइक के इस स्मूथ एंड स्लीक मूवमेंट के लिए इसमें गाइस चेन की जगह यूज किया जाता है हाइड्रोलिक फ्लूइड को। इसके सेंसर्स आपकी स्पीड, कैडेंस एंड टॉर्क से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, और उसी के हिसाब से बाइक के लिए प्रॉपर गियर को चूज कर लेते हैं। यानी एक तरह से इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली गियर चेंज का फीचर, जिससे राइड एकदम डिस्टरबेंस फ्री और स्मूथ बनी रहती है। इसे पार्क करने के बाद आप इसके ऐप से इसके एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म की मदद से इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मक्खन जैसा एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो ओयो बाइक से अच्छी दूसरी बाइक तो हो ही नहीं सकती। हमिंगबर्ड। अब दोस्तों, जैसे बर्ड्स में हमिंगबर्ड सबसे छोटी एंड लाइटेस्ट होती है ना, कुछ उसी तरह से हमिंगबर्ड नाम की ये फोल्डिंग बाइक
बाइक्स की दुनिया की हमिंग बर्ड होती है। चलिए इसे और डिटेल से देख लेते हैं। ये बनी होती है कार्बन फाइबर से, इसी वजह से ये मजबूत होने के साथ साथ काफी लाइट वेट भी होती है। और वेट की बात करें तो इसका वेट होता है सिर्फ 6.5 किलोग्राम। बहुत ज्यादा जो लोग कम्यूट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनके लिए ये कॉम्पैक्ट बाइक एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि इतनी हल्की होने के चलते इसे आप फोल्ड करके अपने साथ उठाकर बहुत आसानी से कैरी करके अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, और जहां भी आपको इसकी जरूरत हो सिंपली इसे अनफोल्ड करके राइड कर सकते हैं। अलग से आपको टैक्सी वगैरह के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही आप ट्रैफिक जैम में फंसेंगे। इस तरह से गाइस, अगर आपको काफी ज्यादा कम्यूट करना पड़ता है तो आप हमिंग बर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सिटी में बाइसिकल एंड बाइक राइडर्स के लिए सबसे बड़ा इशू होता है विजिबिलिटी का, क्योंकि बाइसिकल में कोई लाइट तो होती नहीं, ऐसे में दूसरी गाड़ियों वाले ड्राइवर्स उन्हें रोड पर कभी कभी देख नहीं पाते, जिसके चलते एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस चीज से बचने के लिए आप इस छोटे से गैजेट का कर सकते हैं इस्तेमाल, जिसका नाम है टिक। गाइस, ये एक हेलमेट ब्लिंकर है जिसे आप अपने हेलमेट में लगाकर रोड पर खुद को और भी सेफ रख सकते हैं। इसकी मदद से आप रोड पर अपने मूवमेंट्स को इंडिकेट कर पाएंगे, जैसे कि आपको जिस भी साइड टर्न लेना हो उधर की तरफ अपने हेड को टिल्ट कर दीजिए एंड ये टिक उसी तरफ का इंडिकेटर दे देगा, जिससे रोड पर चल रहे दूसरे ड्राइवर्स आपको नोटिस कर पाएंगे एंड आप सेफ रहेंगे। इसे आप किसी भी हेलमेट के साथ लगा सकते हैं, ना ही आपको हाथ देना पड़ेगा मुड़ते वक्त एंड आप अपनी राइडिंग पर फोकस भी कर पाएंगे। तो गाइस, टिक से आप रोड पर अपनी सेफ्टी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बॉश कियोक्स। अगर आपको अपनी ई बाइक एंड अपनी राइड को बनाना है हाईटेक एंड कन्वीनियंट, तो उसमें आप लगा सकते हैं बॉश कियोक्स को। ये एक स्पोर्टली कॉम्पैक्ट कंप्यूटर है जिसे कि आप अपनी ई बाइक्स में लगाकर अपनी राइड को और भी ज्यादा कन्वीनियंट, मजेदार एंड हाईटेक बना सकते हैं एंड बहुत सी चीजों के लिए इसे आप यूज कर पाएंगे। जैसे कि जब भी किसी नई जगह हम जाते हैं या फिर कोई अननोन एड्रेस हमें ढूंढना होता है, तो हम अपने स्मार्टफोन को बार बार रुक कर पॉकेट से निकाल कर देखते हैं कि अभी और कितनी दूर जाना है, कहां जाना है, लेकिन कियोक्स में आपको ये सारी चीजें सीधे मिल जाएंगी आपकी ई बाइक की हैंडल बार में। इस कॉम्पैक्ट कंप्यूटर में इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जैसे कि अभी कितनी डिस्टेंस रिमेनिंग है और कहां से कौन सा टर्न लेना है, ये सब जिसके लिए आपको अपना स्मार्टफोन निकालकर बार बार नहीं देखना पड़ेगा, जिससे आप आराम से अपनी राइड पर फोकस कर पाएंगे और बाकी की सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके हैंडल बार में कियोक्स में मिल जाएगी। द हैंडल बार बैग बाय रूटवर्क्स। राइड्स के दौरान अक्सर ही हम अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं एंड अगर राइड लंबी हो तब तो ये स्टफ और भी ज्यादा हो जाता है। दूसरे जो हैंडल बार बैग्स आते हैं उनमें काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि वो हिलते ज्यादा हैं, काफी बड़े होते हैं, तो उनकी वजह से हैंडल बार में हाथ रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो गाइस, हैंडल बार बैग बाय रूटवर्क्स में ये सारी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं। इस बैग में एक कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड होता है जिसमें कि आप अपने टेक डिवाइसेस को लगा सकते हैं। इसके यूनिवर्सल माउंट में आप अपने लगभग सारे डिवाइसेस को माउंट करके लगा पाएंगे। इससे अगर आपको कुछ निकालना है तो वो भी आप काफी आसानी से सिर्फ एक हाथ से निकाल सकते हैं। इसे बाइक में लगाना और हटाना भी काफी आसान एंड क्विक होता है। जरूरत पड़ने पर इसे आप तुरंत लगा सकते हैं एंड राइड के बाद आप इसे तुरंत ही हटा भी सकते हैं। प्यूजियोट EF01। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बाइक होती है फोल्डेबल, मतलब इसे आप फोल्ड करके काफी कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। वैसे भी गाइस, ये साइज में कॉम्पैक्ट होती है एंड उसके बाद भी आप इसके साइज को और कम कर सकते हैं इसे फोल्ड करके। एलिवेटर्स में, कार में इसे आप फोल्डेड फॉर्म में आसानी से रख पाएंगे, जिससे आपको इसे अलग से पार्क नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर समय इसे आप अपने साथ रख पाएंगे। कुछ एक सिंपल स्टेप्स में ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाती है इंस्टेंटली। तो अगर आप एक ऐसी ही बाइक लेना चाहते हैं जिसे आप फोल्ड करके अपने साथ अपने सामने रख सकें हमेशा, तो आप प्यूजियोट EF01 को ले सकते हैं। केकॉक एंड। दोस्तों, एक बात हम हमेशा से जानते हैं कि जो ऑफ रोड बाइक्स होती हैं उनमें पावर काफी ज्यादा चाहिए होती है। ऐसे में एक ऑफ रोड बाइक का इलेक्ट्रिक होना ये वाकई में बड़ी बात होती है एंड ये एक ऐसी ही ऑफ रोड बाइक है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ऑफ रोडिंग के अलावा इसे आप नॉर्मली प्लेन रोड्स एंड अर्बन एरियाज में भी आसानी से राइड कर सकते हैं। लुक्स इसके काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं एंड खासकर उन लोगों के लिए तो ये बाइक बहुत बढ़िया रहेगी जिन्हें कम्यूटिंग से ज्यादा इंटरेस्ट एडवेंचर्स में आता है। तो फिर चाहे आप इसे स्ट्रीट्स में चलाना चाहो या फिर प्लेन रोड्स पर या फिर चलाना हो इसे ऑफ रोड टफ टेरेंस में, हर जगह पर ये ई बाइक आपका पूरा साथ दे देगी।
तो गाइस अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।